एवरी वन वेलकम टू जे केमिस्ट्री सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस बुक्स की अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री तो ये वाली बुक्स आपको रेफर करनी पड़ेंगी अब ना आजकल के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं मैं पहले आपको बता देती हूँ उसके बाद आप आगे वीडियो देखना स्टार्ट करना सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है कोचिंग के लिए चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो फिर ऑफलाइन तो आपके पास नोट्स तो हैं बेसिकली ठीक है हर चैप्टर के तो ऐसे वाले केस में ना आपको हर चैप्टर के लिए अलग अलग बुक रेफर करने की नीड नहीं है आपके नोट्स सफिशियंट हैं ठीक है थीके? तो ये वाली बुक्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कई बार क्या होता है मान लो आपने कहीं से पढ़ाई कर ली ऑलरेडी नोट्स हैं आपके पास लेकिन बाई चांस आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिखा जो बाईस आपकी क्लास में नहीं करवाया गया है आप उसके लिए कोई बुक रेफर करना चाहते हैं या फिर हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम में आपने कोई लेट से टॉपिक चल रहा है आपको नहीं समझ आ रहा कौन सी बुक देखनी चाहिए उसके लिए आप ये देख सकते हैं या फिर ऐसे वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो लेट्स से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो यूट्यूब से वीडियोज़ देख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं साथ साथ कुछ बुक्स भी रेफर कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल हो सकती है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप ये वाली बुक देख सकते हैं इस वाली बुक में जो कॉन्टेंट दिया हुआ है वो अपने एग्जाम्स के लिए सफिशियंट होता है ठीक है या फिर इसके बाद क्या होता है जनरली जो प्रिपरेशन वाला फ़ेज है उसमें आजकल बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको पता है कोर्सेज अवेलेबल हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे ना कंटेंट सफिशिएंट होता है आपका एग्ज़ाम अच्छे से आप क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन आगे जाके जब आप किसी इंटरव्यू में अपेयर करते हैं तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि हम कोई एटलीस्ट एक चैप्टर के लिए एक बुक तो देख कर जाएँ सिर्फ नोट से तो काम नहीं चलेगा है ना तो उस वाले केस में क्या होता है आपको एक बुक चाहिए होती है तो ये वाली रेफरेंस बुक्स की वीडियो आपको तब भी हेल्प कर सकती है ठीक है इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया आपने कहीं भी ज्वाइन कर लिया एज असिस्टेंट प्रोफेसर और आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है तो उस टाइम में आप कौन सी बुक रेफर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो इस वाली वीडियो में ना मैंने ट्राई किया है कि हर एक चैप्टर के लिए आपको एक स्पेसिफिक बुक बताई जाए और ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए वाली बुक पढ़ी है तो आपको बता पाऊंगी कि अच्छा ठीक है यहाँ से मुझे समझ में आया था एटलीस्ट अब ये वाली चीज भी होती है कि कई बार ना बुक्स के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं फेमस बुक्स भी होती हैं लेकिन अगर हम उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं नहीं समझ में आती तो कोई इसमें वो वाली बात नहीं कि सब तो पढ़ते मुझे समझ में नहीं ऐसा नहीं है कई बार होता है हमें लैंग्वेज कई बार नहीं समझ में आती है टफ लगते हैं कोई भी रीजन हो सकता है ठीक है तो यह दो बुक आपको रेफर कर दूं कि जब भी आपको इन फ्यूचर कभी भी नीड हो आप देख सकते हैं या फिर अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन भी किया हुआ है वहां पर आपको लग रहा है ये वाला चैप्टर मुझे लग रहा है कि ढंग से प्रिपेयर नहीं हो पाया मुझे इसके लिए कोई बुक देखनी पड़ेगी तो भी आप देख सकते हैं ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीन तो आप स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है तो स्क्रीन आप ले सकते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर लिखा है चैप्टर एरोमेटिसिटी अब जो ये चैप्टर है एरोमेटिसिटी अब ये कोई ऐसा चैप्टर तो है नहीं कि सिर्फ इसको सी एस आई आर नेट में पूछते हैं इनफैक्ट जैम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है हर बार आता है हमेशा पूछेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है तो एरोमेटिसिटी के लिए ना वैसे अगर आप कोई बुक्स देखने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा चैप्टर इसके लिए आप दो बुक्स रेफर कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो जो आपको लाइब्रेरी में मिल जाए अपने कॉलेज की ठीक है वहाँ से आप देख सकते हैं तो एक तो बुक है कैरियन सैंडबर्ग और एक बुक है जेरी मार्श तो दोनों ही में ना एक एक चैप्टर है वो अगर आप पढ़ लेते हैं आपका एरोमेटिसी सफिशेंट है अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि मैम मुझे करनी है सेल्फ स्टडी मैंने लेट्स से एक वीडियो लेट्स सपोज करूँ जे केमिस्ट्री चैनल पे भी एरोसिटी की वीडियो है एक बात से आपको बेसिक समझ में आएगा ठीक है इनफेट वो चैनल की फर्स्ट वीडियो है वॉइस सभी ली हुई है ऑडियो वीडियो सब आगे पीछे हो रखा है उसका बट फिर भी आपको कॉन्सर्ट समझ में आ जाएगा तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे बेसिक्स तो समझ में आ गए अब मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स देख लूँ तो फिर ना आप इन दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं अब मैंने दोनों बुक्स लिखी हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी करेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप ये देख सकते हैं ठीक है अब आता है यहां पर इसके बाद आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यानी कि कार्बोकटाइन हो गया कार्बनइन हो गया कार्बिन हो गया रेडिकल हो गया ये फ्री रेडिकल ये सब जो है ना जितने बेंजाइन हो गया जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं इनके लिए आप दो बुक रेफर कर सकते हैं मैं आपको बोलूंगी अगर आपने लेट से, नोट से पढ़ लिया फिर जैसे ही पढ़ाई करिए आप सिर्फ देना जाता है कोई स्टैंडर्ड बुक तो मैं बोलूंगी पहले एक बार क्लेडन देख लेना ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बुक जो आपको रेफर करनी ही चाहिए हमेशा वो क्लेडन है तो अगर आप देखेंगे ना उसको आप खुद से पढ़ भी सकते हैं उसको आपको समझ में भी, भी आएगा ठीक है तो अगर आपको लग रहा है कि क्लेडन मैंने पढ़ ली है सो कार्बीन एंड फ्री रेडिकल जो है कैरिथर्स वाली बुक में भी गिवन है थोड़े से ज़्यादा हाई लेवल के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगर आपको लग रहा है आपने क्लेडन कर ली है आपको कोई और बुक रेफर करनी है तो आप कैरिथर्स देख सकते हैं इसमें बाकी सब नहीं मिलेगा सिर्फ कार्बीन और फ्री रेडिकल मिल जाएगा ठीक है उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की अब जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना जनरली वहाँ से आपसे पूछते हैं कि आर एस नॉर्मल क्लेशर आपको बताना होता है कॉन्फिग्रेशन निकालनी है ठीक है या डायस्टीरियोमर्स स्टीरियर इनशियोमर्स इनमेंट ये जितना भी पोर्शन है ना सारा कि कौन सा स्टेबल कन्फर्मेशन होगा ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको नाइस के लिए कोई एक बुक अगर आप रेफर करते हैं तो वो सफिशियंट रहेगी जैसे अगर आप क्लेडन देखेंगे ना आपको क्लेडन में स्टीरियो केमिस्ट्री का पोर्शन दिखेगा लेकिन वो आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट नहीं है आपको इससे ज़्यादा पढ़ना होता है तो अगर आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ा हुआ है आपके क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है उतना सफिशियंट है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक रह गया है मुझे बुक देखनी पड़ेगी तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं आप नासिपुरी देख सकते हैं या फिर पी एस कलसी देख सकते हैं ठीक है ध्यान रखना पीएस कलसी जो ओथर है उनकी दो बुक्स हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की अलग से डेडिकेटेड बुक है और एक और बुक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो मैं बात कर रही हूं पीएस कलसी जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाली बुक है उसकी वो आप प्रेफर कर सकते हैं उसमें पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन गिवन है ठीक है ऐसे ही नासिपुरी जो बुक है काफी स्टैंडर्ड बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री की बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ना एमएससी में हमारे पास ये वाली बुक थी मुझे नहीं समझ में आती थी उस टाइम पे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती थी बट हाँ जो पी एस कल सी है वो थोड़ी सी ईजी है लैंग्वेज उसकी समझ आती है तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ स्टार्ट ही करना है अभी तो फिर आप ये वाले बुक देखना इसके बाद अगर कभी लाइफ में टाइम मिले तो नासिपुरी पढ़ लेना अगर पढ़नी हो ठीक है देन बात करते हैं रिएजेंट्स की सो so, रिएजेंट्स ना जितने अपने एग्जाम्स में आते हैं वो आप क्लियडेंस से कवर कर सकते हैं स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं आईआईटी आई टी या फिर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स की या फिर गेट एग्ज़ाम की तो उसमें जितने रिएजेंट्स पूछते हैं ना आपको क्लेडेंस में मिल जाएंगे वो सारे सारे लेकिन अगर बात करें सी नेट की तो कई बार कुछ अजीबों पूछ लेते हैं रिएजेंट्स थोड़े अजीब ही होते हैं कई बार तो उस वाले केस में आप कैरूथर्स रेफर कर सकते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला चैप्टर अलग है रिडक्शन वाला अलग है वहां से आप देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा मैंने आपको पे मैंशन करना में भूल गई एक ना जवेफल वाली बुक भी होती है जिसमें बहुत सारे रिएजेंट्स गिवन है तो ये आप देख सकते हैं ये स्पेसिफिकली रिएजेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है इसमें प्रोटेक्टिंग और डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी आपको मिल जाएंगे तो जो सी एस आई आर नेट और गेट के लिए पढ़ रहे हैं अगर आप देखना चाहें आप ये देख सकते हैं आई आई टी जैम या फिर एमएससी एंट्रेंसिस के लिए क्लेडन सफिशेंट है आपको और कुछ देखने की नहीं है ठीक है अच्छा आप बात करते हैं नेम रिएक्शन की सो नेम रिएक्शन जितने आते हैं आप क्लेडन अगर पूरा पढ़ते हैं ना आई आई टी जैम या फिर एमएससी एंट्रेंसिस गेट तो क्लेडन में ना मैक्सिमम कवर हो जाता है आपकी रिएक्शन अगर बात करते हैं नेट की और गेट की तो फिर आपको कैरूथर्स भी रेफर करनी चाहिए कैरूथर्स वाली बुक में जो चैप्टर नंबर वन एंड टू है ये मैं ऑलरेडी करवा भी चुक करवा भी चुकी हूँ जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर वहां से आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो फर्स्ट वाले चैप्टर में बेसिकली कार्बोनल केमिस्ट्री है इनोलेट्स उनसे रिलेटेड जितने ने, नेम रिएक्शन आपको मिल जाएंगे जो सेकंड चैप्टर है उसमें होता है कार्बन कार्बन डबल बुन फॉर्मेशन तो उसमें जितने भी रिएजेंट्स हैं जितने भी नेम रिएक्शन हैं वो सारे कवर होते हैं तो आपको ना कैरिथर्स वाली बुक का सेकेंड चैप्टर पक्का पढ़ना चाहिए बुक से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैंने चैनल पर भी करवाया हुआ है मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म अगेन वही वाली बात है कि कैरिथर्स वाली बुक में जो चैप्टर नंबर वन एंड टू है उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का भी कुछ पोर्शन कवर होता है और क्लेडन तो आपको पढ़नी है ठीक है इसके बाद बात करते हैं पैसाइकली केमिस्ट्री की अब पेरिसाइकलिक अगर आपको पढ़ना है आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चैनल से पढ़ सकते हैं इसके बाद आप क्लेडन पढ़ सकते हैं फिर अगर आपको लग रहा है समझ तो आ गया कुछ और क्वेश्चंस करने तो आप कैरूथर्स पे जाएंगे अदरवाइज़ अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बुक से ही पढ़ना है तो उस वाले केस में आप क्लेडन पढ़ना थोड़ी सी ईजी पड़ेगी लैंग्वेज ईजी है कैरूथर्स में प्रॉब्लम यह है कि रिएक्शंस तो होती हैं लेकिन उसका मैकेनिज़म नहीं होता है बहुत बार तो समझना डिफ़िकल्ट है ठीक है तो आप पहले क्लेडन प्रेफर करेंगे मैं जहाँ पर लिखा ना क्लेडन प्लस कैरूथर्स तो आप ट्राई करो क्लेडन से कर लो पहले फिर अगर टाइम बचता है

अगर सॉरी हाँ मैंने गेट बोला ना गेट में कभी कभी क्वेश्चन आता है कभी कभी नहीं भी आता नेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है लेकिन वो भी हमेशा आएगा ऐसे नहीं है तो सिर्फ एक क्वेश्चन को एक या दो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आप इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ने बैठेंगे आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अपना ठीक है तो ऐसे वाले केसेज में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अगर हमें नोट्स मिल जाए ना कहीं के किसी भी प्लेटफॉर्म के अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं आप ट्राई करो उसको वहीं से पढ़ के ख़त्म करो ठीक है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है तो इतनी मोटी बुक पढ़ के फायदा नहीं होता है मैं उस वाली केस में बोल रही हूँ ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए आपको पढ़ाना है किसी को ये चैप्टर तो फिर अगर आपको लो नोट से काम चल जाएगा फिर नहीं चलेगा फिर आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी तो इसके लिए ना दो बुक है एक तो इंडियन राइटर है जगदम्बा सिंह उनकी बुक है और एक फॉरन राइटर है होर्सपुल वो वाली बुक है आपको जो मन करें वो रेफर कर सकते हैं रिएक्शन आपको ऑलमोस्ट सेम सेम मिल जाएंगे बुक्स में ठीक है अच्छा फिर बात करते हैं हेड्रोसाइकली केमिस्ट्री की अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं क्लेडन में ना दो चैप्टर्स हैं एक में तो सिंथेसिस है हिट्रोसाइकलिक कंपाउंड्स का एक में प्रिपरेशन सिंथेसिस और एक में रिएक्शंस हैं तो आपको दोनों चैप्टर्स कवर करने उतना सफिशिएंट है आपका नेट गिर जैम सब हो जाएगा ठीक है इतना करेंगे सफिशिएंट है फिर बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स की जिसको हम बायोमोलिक यूज भी बोलते हैं तो यहाँ पर ना देखो मेनली क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट से अमीनो एसिड से या फिर न्यूक्लिक एसिड से ठीक है तो ये वाले चैप्टर्स करने के लिए ऑर्गेनिक की एक बुक है ब्रूस राइटर है बेसिकली ठीक है ब्रूस राइटर हैं तो उनकी जो बुक है ना उसमें लैंग्वेज सिंपल है जैसे अपनी क्लेडन वाली बुक की लैंग्वेज सिंपल है वैसे ही ब्रूस की उससे भी ज़्यादा सिंपल है तो इस वाले चैप्टर के लिए आप ब्रूस या फिर क्लेडन रेफर कर सकते हैं मैं बोलूँगी ब्रूस वाली रेफर कर लेना ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ है उसमें ठीक है लास्ट में बात करते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगेन बात वही है अगर आप इसको कहीं नोट से पढ़ते हैं तो आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि तो नोट्स में क्या होता है अगर आपको सिग्नल निकालने बेसिक क्या होता है नोट्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके बनाए गए होते हैं तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं लेकिन अगर आपको बुस से रेफर करना है कोई टॉपिक पढ़ना है तो फिर दो बुक्स हैं वैसे बुक्स ज़्यादा हुई है जैसे पी कल से है लैंग्वेज बहुत ईजी आपको समझ में आएगा ठीक है लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको एक दो टॉपिक देखना है तो फिर आप पाव्या भी रेफ़र कर सकते हैं ऐसे ही जैसे वाई शर्मा है जनरली बी में पढ़ते हैं आप वो वाली भी रेफर कर सकते हैं एक सिल्वर स्टीन बुक भी है लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत हाई लेवल हो जाएगा तो उसको आप भी इग्नोर कर सकते हैं हाँ पी एस कल और पाव्या ठीक है बाकी मैं लिख देती हूँ सिल्वर स्टीन एक बुक है ये मैं जनरली यूज़ कर रही होती हूँ जब टेस्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन आपको देने होते हैं इस चैप्टर के तो मैं यूज़ करती हूँ बट हाँ इतना ज़्यादा ही पढ़ने की नीड नहीं होती है एक बुक को अच्छे से पढ़ लो इस चैप्टर के लिए बहुत होता है ठीक है और स्टूडेंट फेज में जब आप देख रहे हैं तो फिर तो अगर आपने कहीं कोचिंग कोचिंग ज्वाइन कर रखी है नोट्स आपके पास हैं ही अगर आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो पा रहे हैं वहाँ से इसके अलावा किसी टॉपिक में अगर फंस रहे हैं उसके लिए कोई देखना तो देखना वो तो ठीक है अलग बात है लेकिन हाँ मैं कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगी क्योंकि गलत होगा कि आप ये स्टूडेंट फेज में जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो सारी बुक्स पढ़ लो पॉसिबल ही नहीं है लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बुक अगर पढ़नी है अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही तो फिर आपको क्लेडन पढ़नी चाहिए ठीक है हाँ अब ये वाली बात हो सकती है आपको अगर लग रहा है कि मैंने सोचा है कि छः महीने के अंदर मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है या फिर लेट से इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर मुझे जैम या फिर गेट की प्रिपरेशन करनी है तो मैं अब क्या करूँ फिर अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर ही लिया है तो ट्रस्ट करिए जितना करवाया जाएगा सफिशेंटली करवाएंगे मेरे साल को हर कोई बेस्ट करवा रहा होता है ठीक है तो पहले नोट्स पे रिलाई करिए अगर आपको लग रहा है कि नोट्स पढ़ के मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं मतलब वो सफिशिएंट हैं आप रेलेवेंट पढ़ रहे हैं अगर उसके अलावा लगता है कि कौन सी बुक पढ़ूं मेरे पास टाइम है कुछ एग्जांपल्स करने हैं तो फिर आप क्लेडन रेफर कर सकते हैं एक और चीज़ अगर आपने नोट्स बना ली कहीं से देख के सब कुछ हो गया है अब आप सोच रहे हैं पूरी बुक को मैं कैसे पढ़ूँ आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे लाइन बाय लाइन सपोज करिए लाइट से आपने पेरीसाइकली केमिस्ट्री पढ़ लिया नोट्स बना लिया प्रीवियस ईयर कर लिया ठीक है आप सोच रहे हैं मुझे करना है किसी बुक से कैसे करेंगे लेट से आपने क्लिन ओपन करी ठीक है चैप्टर खोला उसमें आपको मिलेगा सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस ठीक है आपको सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस ऑलरेडी पता है कुछ नहीं करना आपको लाइन्स पढ़ने की नीड नहीं है जो भी पे एग्जाम्पल दे रखा है ना आप सिर्फ उसको देखते हुए चलो आपको रिएक्टेंट दिख रहा है ऊपर एरो पे लिखियों की कंडीशन वो दिख रही है आप खुद से बना के देखो प्रोडक्ट अगर बना पा रहे हो वेरी गुड आपको आता है नेक्स्ट पे आओ जो भी एग्जांपल्स है ना उनको देखते हुए चलो जो आपको लग रहा है कि ये वाला मुझसे बना नहीं दैट मीन्स कुछ नया है जो आपके नोट्स में नहीं है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है लेकिन ये वाले सारे काम तब करने हैं अगर आपको लग रहा है जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो तो मैंने बहुत बार रिवाइज कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए अब टाइम है तो इसलिए मैं देख रहा हूँ तो उस वाले केस में आप ये कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं फिर फिजिकल केमिस्ट्री की देखो मैंने कुछ कुछ मेन मेन बुक्स लिखी हैं लेकिन यहाँ पर आपको बताती हूँ कैसे करना है अगर आपके पास पी एस पी है ना पी एस पी बेसिकली राइटर्स की नेम है पूरी एंड पठानिया ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री की ये एक ऐसी बुक है जो इंडियन राइटर्स की बुक है लैंग्वेज सिंपल है आपको समझ आएगा बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं तो अगर आप ये वाली बुक से पढ़ रहे हैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मिलेंगे इसमें तो अगर आप इससे भी कर लेना सारे चैप्टर्स तो भी आपका काम चल जाएगा आप सारे एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि मुझे एक चैप्टर के लिए कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए जैसे सब कुछ मिल जाए मुझे तो फिर मैंने लिखा हुआ है जैसे अगर बात करते हैं ग्रुप थेरी की जैम वाले स्टूडेंट्स तो खैर नहीं पढ़ेंगे बट हाँ जैम और नेट की अगर सॉरी नेट की और गेट की अगर बात करते हैं तो फिर दो बुक्स हैं देखो स्टैंडर्ड बुक है एफ ए कॉटन लेकिन जिस स्टूडेंट को अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है ग्रुप थियरी अगर आप पढ़ने जाओगे आपको एकदम ऊपर से जाएगा नहीं समझ में आएगा ठीक है तो उस वाले केस में ना एक इंडियन राइटर की बुक है एस स्वर्ण लक्ष्मी तो इनकी जो लैंग्वेज है सिंपल है आपको जिस समझ में आएंगी और आपको ये भी लगेगा आप एग्ज़ाम के रेलिवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलेंगे जो देख के कई बार इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है ठीक है तो ये वाली बुक्स हैं एंड फिजिकल्स फैक्ट्रोस को भी अगर बात करें बैनुअल है नेट गेट जैम सब हो जाएगा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन इलेक्ट्रॉनिक्स सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे तो आप पढ़ सकते हैं एंड देन क्वांटम की बात करते हैं ओके सो क्वांटम का नाम जब भी आता है ना तो जनरली आपको बोलेंगे सब कि आप मैकवरी पढ़ लो अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैकवरी ऐसी बुक है डोनल्ड मैकवरी जो क्वांटम केमिस्ट्री है मुझे पर्सनली समझ में नहीं आती मैंने कोशिश भी करी है इनफैक्ट जब मैं एम में थी हमारे पास सिलेबस में था हमें यही रेफरेंस बुक बताई गई थी बट नहीं समझ में आती वहाँ से इसलिए मैंने आपको बोला था कई बार ना कुछ बुक्स बहुत अच्छी होती है बट हमें समझ में नहीं आती हैं है ना तो मुझे लगता है मेरे लिए तो क्वांटम में मैं केल कपूर पढ़ के मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं तो मेरा काम बढ़िया चल रहा है क्वांटम मेरा हो जाता है केल कपूर पढ़ के तो अगर आपको लग रहा है पहले कौन सी बुक रेफर करें तो मुझे लग रहा है कि केल कपूर से पढ़ना ईजी है थोड़ा सा और आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे ठीक है लेकिन फिर आपको चाहिए कि ये तो मैंने पढ़ रखा है मुझे सब आता है फिर थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना है देन आप पढ़ सकते हैं मैकवरी ठीक है अच्छा ओके देन बात करते हैं थर्मो की मैंने यहाँ पर बुक लिखी है रसोगिन मिश्रा ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बी में मैंने जो पढ़ा था ना तो हमारे पास ये वाली बुक रेफरेंस थी हमने ये पूरी बुक लाइन बाई लाइन पढ़ी हुई थी तो क्योंकि सेमेस्टर में छः महीने में ये वाली बुक खत्म करी थी तो एकदम टिप्स पे थी चीज़ें ठीक है तो फिर ना अलग से कोई बुक रेफर करने का मन भी नहीं करता और जितने कॉन्सेप्ट थे उससे हमारी बी भी हो गई नेट गेट के क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो फिर हमारे लिए ये वाली बुक अच्छी है ठीक है तो उस वाली साइंस में लिखा है कि सोगेन तो मिश्रा अच्छी बुक है आप पढ़ेंगे आपको समझ में भी आएगा ठीक है इसके बाद अगर आपको कुछ और बुक रेफर करनी है एंजल एन रीड भी अच्छी बुक है ये मैंने रिसेंटली एम के बाद डिस्कवर किया है और मैंने काफ़ी चैप्टर्स पढ़े भी हैं इसके इसमें काइनेटिक्स भी अच्छा गिवन है इसमें आपको थर्मोडोनामिक्स भी अच्छा मिलेगा जो मैंने चैनल पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडानिक्स करवाया है वो भी मैंने यहीं से करवाया था तो मुझे ये वाली बुक भी बुक अच्छी लग रही है आप ट्राई जरूर करना पढ़ने के कभी पढ़ने का मन करे तो फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे लग रहा है केल कपूर में जितनी अच्छी दी है ना उससे अच्छी शायद हमें नहीं मिलेगी क्योंकि वहां से नेट गेट जाए क्वेश्चन हो जाते हैं पढ़ने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ठीक है थीके? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो चैप्टर है केएल कपूर वाली बुक में एक तो कंडक्टेंस है और एक है आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ठीक है तो अगर आप ये पढ़ते हैं सफिशियंट है उसके जो भी सोल्व एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेना बहुत है इसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स बच गए जैसे वो सॉलिड स्टेट हो सकता है या फिर केमिकल काइनेटिक्स हो गया सर्फियस केमिस्ट्री हो गया जो बाकी चैप्टर्स जितने भी बचे इक्विलिब्रियम हो गया इनके लिए ना आप चाहे तो पी रेफर कर सकते हैं पुरीशर माई पठानिया या फिर आप केल कपूर रेफर कर सकते हैं इन दोनों में से किसी से भी कर लो इंडियन है, राइटर्स हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक्स में आपको समझ में भी आएगा आप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे इसके साथ साथ अगर आपको कोई बुक रेफर करनी है बाकी इन सारे चैप्टर्स के लिए भी तो वह एटकिंस ठीक है अब ना एटकिंस को डायरेक्टली पढ़ के समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने बोला कि पी एस बी या केस कपूर से पढ़ लो इसके बाद भी अगर आपको मन करे कि मुझे कुछ देखना है क्वेश्चंस करने टाइम अगर है तो उस सारी किस्म कर सकते हो जो एटकिंस के जो सोर्ट एग्जाम्पल्स है ना वो देख लो उतना भी काफी है ठीक है ओके तो ये हमने बात करी है फिजिकल केमिस्ट्री की आगे चलते हैं लास्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम नोट्स से पढ़ें ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आपको लर्ट से पढ़ना एनालिटिकल केमिस्ट्री अब इसके लिए बुक तो है डोगलस डौल, स्कूल वाली लेकिन बात क्या है कि उसको पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है आपको छः सात महीने के अंदर पूरी प्रिपरेशन करनी होती है इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ोगे और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन यहाँ से गेट में आपको एक से दो क्वेश्चन देने को मिलता है ऐसे जैम में भी देखने को मिलेगा नेट में कभी क्वेश्चन एक दो आया तो आया वरना आप छोड़ भी सकते हैं ठीक है तो ऐसे वाले चैप्टर्स को आप चाहे तो पहले लीव करें अगर आपको कि मुझे पढ़ना है टाइम है मेरे पास ट्राई करो नोट्स से पढ़ने की फिर भी लग रहा है कि ज़्यादा बुक्स पढ़नी है तो ठीक है फिर आप स्कूक वाली बुक पढ़ सकते हैं है ना इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं अगर मेन लोक एलिमेंट्स की इतना सारा होता है पढ़ने के लिए तो बुक से पढ़ पाना उसको रिटेन कर पाना डिफिकल्ट है इसलिए मैं बोल रही हूँ जब तक बात चल रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो आप अगर नोट्स रेफर करेंगे इनके लिए जिससे अपना एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया और मेन लोक एलिमेंट्स हो गया अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स पक्का होंगे जिन्होंने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे वहाँ से करिए ठीक है आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ना अगर हम बात करें मैं अपनी पर्सनली बात तो अगर करूँ तो बी में हमने अजय कुमार सर की एक बुक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत फेमस बुक है वहाँ से पढ़ के हमारे मार्क्स भी अच्छा है जैम भी हो गया और मुझे लगता है नेट गेट भी हो जाएगा जो उसके बैक साइड पे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो नेट के प्रीवियस के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो अलग एंट्रेंसेज के क्वेश्चंस हैं वो आपको उनके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे तो वहाँ से पढ़ के काफ़ी सही हो जाता है इसके बाद अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई फॉरन राइटर की बुक रेफ़र करनी है तो फिर आप ये वाली बुक पढ़ने के बाद आप इजीली कोई भी बुक पढ़ सकते हैं तो मिसलर एंड टार आप रेफ़र कर सकते हैं कॉर्डिनेशन के लिए या फिर एक बहुत अच्छी बुक है ये भी मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है काफ़ी अच्छी बुक है कभी टाइम मिले ना पढ़ने के लिए तो अगर आपने क्लेडन नहीं पढ़ी होगा यानी कि पढ़ना एक बार पक्का ठीक है और क्लेडन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे एग्जाम्स एग्जाम हो चुके हैं मुझे सिर्फ अच्छी बुक्स पढ़नी है तो फिर अगर क्लेडन पढ़ ली कैसेस पढ़ ली ना एक बार जेरी मार्च पढ़ के देखना बहुत अच्छी बुक है ठीक है अगर बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक बार आप एंजल एंड रीड पढ़ के देखना मेरी रेफरेंस से पढ़ लेना एक बार की मैंने रिकमेंड करी है एक बार पढ़ के देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी ठीक है ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जो ये वाली बुक है ना पोर्सन एंड कॉर्ड्स के आप पढ़ के देखना बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें बहुत अच्छी लैंग्वेज में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ठीक है पढ़ के देख लेना एक बार ओके एंड देन बात करते हैं ओ एम सी ऑर्गेनिक डेली केमिस्ट्री की तो यहाँ पर भी मैंने आपको दो बुक्स लिखी दी हैं एक तो अजय कुमार सर वाली बुक और एक बुक है बेडी गुप्ताइन एरियास की तो आप रेफर कर सकते हैं ठीक है जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छे समझ में आए वहां से रेफर कर सकते हैं देन बायोज्ञानिक केमिस्ट्री में अजय कुमार सर वाली बुक बहुत अच्छी है इन दोनों की कंबाइंड बुक है ठीक है आप रेफर कर सकते हैं साथ में हुई देख सकते हैं अगर मन करे तो ठीक है आते हैं आगे इसकी हमने बात ही ली है एंड बेस केमिस्ट्री टू बी ऑनस्ट मैंने पढ़ा हुआ है मिसलर एंड आर्ट से मैंने जे केमिस्ट्री कोर्सेज में भी यहीं से पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन हम सारे कर लेते हैं उसके प्रीवियस ईयर प्रेवियसर सब कुछ नॉलेज भी अच्छे खासे आपको मिल जाएगा अगर हम यहाँ से रेफर करते हैं तो ठीक है इसके बाद अगर बात करते हैं एफ एलिमेंट्स की आप ये हाउस क्राफ्ट से कर सकते हैं अगर आपको कोई बुक ही चाहिए तो ऐसे केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग और जियो से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पूरी बुक्स पढ़ लोगे ना तो भी आपको मतलब बेसिकली बात ये कि कोई अलग से उसकी बुक नहीं है ठीक है आप पढ़ते रहो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बन दी जाएगी वो केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन ठीक है लेकिन फिर आपको कुछ बुक रेफर करनी है अगर तो मैंने पे दो बुक्स लिखे हैं एक तो है मिसलर एंड टायर एक है पोर्सलन क्वार्ड्स ठीक है दोनों में ही बहुत अच्छा दिया हुआ है मेन लोग एलिमेंट्स के लिए आप जे रेफर कर सकते हैं या फिर ग्रीनवुड रेफर कर सकते हैं दोनों में बहुत सारा लिखा हुआ है तभी मैंने कहा था कि ट्राई करना मेन लोग एलिमेंट्स को अगर आप नोट्स से पढ़ पाएँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ठीक है तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था बुक्स का मैंने आपको रेफ़र कर दिया है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी बुक्स पढ़ने बैठेंगे पॉसिबल नहीं होता है हाँ अगर आपका प्रिपरेशन फ़ेज़ खत्म हो चुका है अभी आपको रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप किसी को पढ़ा रहे हैं फिर बस बेसिकली किसी जॉब में इस टाइम पे हैं और आपको सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए बुक्स पढ़नी है तो फिर तो आप डेफ़िनेटली रेफ़र करिए आपको अच्छी लगेंगी पक्का ठीक है लेकिन अभी अगर आप प्रिपरेशन फ़ेज़ में हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर के लिए अलग अलग बुक्स रेफ़र करें इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि आपको पढ़ना है देन नोट्स बनाने हैं देन आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं लास्ट में टेस्ट सीरीज भी देनी है तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतना कुछ आप नहीं कर पाएंगे तो बेस्ट होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी पहले आपको पता है आजकल YouTube पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है पहले आप देख लो आपको कौन से टीचर का समझ में आ रहा है उनकी वीडियोस देख के नोट्स बनाओ उसके बाद अगर लग रहा है कुछ और टॉपिक पढ़ने हैं तो आप ये वाली बुक्स रेफर कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको अच्छे नोट्स मिल रहे होंगे उन्हीं को पढ़िए ट्रस्ट करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए अच्छे से एग्जाम देकर आइए ठीक है अगर कभी जरूरत पड़ती है कि ये वाला टॉपिक मुझे क्वेश्चन तो दिखा है इसका प्रीवियस ईयर में लेकिन ये हमारा हमारे क्लास में कवर नहीं हुआ है तो उस वाले केस आप बुक रेफर कर सकते हैं क्योंकि देखो ये वाली चीज पक्की है आप किसी भी इंस्टीट्यूट किसी प्लेटफॉर्म की बात कर लो आपको ना हर चैप्टर का मतलब हर एक टॉपिक करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार टीचर क्या होता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आते और फिर टीचर भी ये बात समझते हैं कि बहुत सारा लिखवा के फायदा नहीं होता है क्योंकि ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो वो हम अवॉइड करते हैं कि ना करवाएं क्योंकि क्या होगा अनिली आपके पास नोट्स बनेंगे नोट्स बनेंगे उसको रिवाइज भी करोगे बाय बाय उस वाले केस में होगा ये कि आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जाती हैं ठीक है थीके? तो ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी बुक्स वाली अब मुझे लग रहा है कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपने पर्सनली पढ़ी और आपको अच्छी लगी है तो पक्का बताना कमेंट सेक्शन में मैं भी देखूंगी और बाकी स्टूडेंट्स हैं आए श्योर कमेंट्स रीड करते हैं तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है आप ये वाली बुक्स रेफर करिए अगर टाइम है तो अदरवाइज़ अगर कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हो मैं आपको यही बोलूंगी अगर सिक्स मंथ्स या फिर वन ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो फिर अपने नोट्स से स्टिक करिए वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ये वाली बुक्स आप रेफर कर सकते हैं रिविजन के लिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक है तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं हैप्पी लर्निंग